गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो आज मैं केक बेक करने जा रही हूँ। मैंने अपना न्यू माइक्रोवेव ओपन कर लिया है और पूरा सेट करके रख लिया है और अब मैं केक के लिए बैटर बनाने जा रही हूँ। पहले तो मैंने इस बाउल में एक कटोरी दही ले लिया है। पहले मैं इसे बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें दो कटोरी पाउडर शुगर डाल दूंगी। मैं दो कटोरी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कोको पाउडर कड़वा होता है और इस वजह से शक्कर ज़्यादा यूज़ होती है चॉकलेट केक में। शक्कर और दही को अच्छे से फेंटूंगी। अब मैं इसमें पूरी एक कटोरी रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने के बाद इसे हमें जब तक फेंटना है जब तक ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर ना ले ले और इसे काफ़ी देर तक, कम से कम 10 से 15 मिनट तक फेंटते रहना है। इससे केक बहुत स्पंजी, सॉफ्ट और बहुत फ्लेवरफुल बनता है। अब देखिए, मैंने दही, शक्कर और ऑयल को फेंट लिया है। अब मैं इसमें दो कटोरी मैदा डालूंगी। केक बनाते वक्त हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स छन्नी में छानते हुए डालना चाहिए। इससे उसमें जो कुठलियाँ रहती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आटा बहुत हल्का हो जाता है, उससे एयर आ जाती है उसमें। और अब मैं इसमें कोको पाउडर डालने जा रही हूँ। यह मैंने कैडबरी का कोको पाउडर लिया है। इसमें बिल्कुल डेरी मिल्क जैसी फ्रेगनेंस आती है। इसमें मैं 1.5 कटोरी कैडबरी कोको पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में सभी को चॉकलेट केक बहुत पसंद है और स्पेशली जिसके लिए ये चॉकलेट केक बन रहा है उसे तो चॉकलेट्स खाना भी बहुत पसंद है और चॉकलेट केक भी बहुत पसंद है। अब मैं इसे भी छान लूँगी। अब मैं मैदे और कोको पाउडर को भी दही, ऑयल और शुगर के साथ मिक्स करूँगी। इसे हमें काफ़ी अच्छे से फेंटना है क्योंकि अगर केक अच्छे से फिटता नहीं है तो वो स्पंजी नहीं बनता है। अब केक बैटर में से सारे लम्स खत्म हो गए हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा पतला करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। उसके लिए मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आधी कटोरी दूध डालूँगी और इसे बहुत अच्छे से फेंट के इसे थोड़ा सा पतला कर लूँगी। देखिए, मेरा केक बैटर पतला हो चुका है। एग्जैक्टली मुझे जैसा चाहिए सेम वैसा हो चुका है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लास्ट में डालती हूँ। इससे ये होता है कि आपका केक बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनता है। अब मैं इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा डाल दूँगी। ये मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। अब इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। मेरा बैटर रेडी है और मैंने यहाँ पर जो अमूल बटर के साथ जो बटर पेपर आया था उसको फैला दिया है क्योंकि मेरे घर में बटर पेपर नहीं है। अब मैं अपने कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी
आउटसाइड से भी ग्रीस कर दूंगी। अब मैं अपने केक बेटर को तेल में डाल दूंगी। देखिए इससे ऐसा होना चाहिए एकदम। मुझे थोड़ा सा मोटा केक भी अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा बेटर डाल दूंगी। अब मैं इसे पैक कर दूंगी जिससे इसमें जो बबल्स हैं वो निकल जाए। मेरा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है। अब मैं अपने केक को इसमें रख दूंगी। केक को माइक्रोवेव में रखकर 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बेक करूंगी। मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए ही बेक करती हूँ क्योंकि उससे परफेक्ट केक बन जाता है। मेरा केक रेडी है, एकदम परफेक्ट ही बेक हुआ है। अब मैं इसे उल्टा करके डायरेक्ट जिस प्लेट में मुझे सर्व करना है उसी में निकाल रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। अब मैं बटर पेपर भी हटा दूंगी। बटर पेपर डालने से फ़ायदा रहता है कि केक बहुत आसानी से निकल जाता है टिन में से। अब मैं इसे पलट लूँगी। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है केक। ये केक जो ऊपर से फटा हुआ दिख रहा है आप इसे ऊपर से कट करके जब क्रीम लगाएं तो उसे यूज़ कर सकते हैं, वो एकदम प्लेन हो जाएगा। पर मेरे पास यहाँ पर क्रीम वगैरह कुछ नहीं थी तो मैं आइसिंग शुगर डाल रही हूँ ऊपर से छन्नी की हेल्प से, और थोड़ी सी जो घर में चॉकलेट्स हैं उनसे ही डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि हमारे वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ व्हिप्ड क्रीम वगैरह मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं घर में रखी जेम्स से केक को डेकोरेट कर रही हूँ, और साथ में मिल्क बार थी मेरे पास थोड़ी सी उससे डेकोरेशन कर दूँगी, और बहुत ही सिंपल केक रेडी कर रही हूँ। वैसे जिसके लिए ये केक मैंने बनाया है उसे ये केक बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये केक उनका फेवरेट है। स्टार्टर में मैं मंचूरियन, चिली पटेटोस और गिलकी के भजिए बनाने वाली हूँ, और मेन कोर्स में है दाल और बाटी। हमारे वहाँ सभी को दाल बाटी पसंद है। और स्वीट डिश में जो कल की वीडियो में मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी डाली थी वो रहेगी। आज सारा खाना मम्मी की पसंद का बन रहा है, और जो जितनी भी रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर उसकी रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो देखिए मेरे मंचूरियन भी रेडी हैं। अब चिली पटेटो के लिए मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। मैं पूरी रेसिपी इसलिए नहीं बताई है आप लोगों को क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे शॉर्ट में बता दूँगी और रेसिपी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जिससे आप रेसिपी देख सकें। सारी चीज़ें क्यों बना रही थी उसका राज मैं अभी खोलती हूँ। मम्मी का बर्थडे है और हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैंने उनकी पसंद की सारी डिशेज घर पे बनाई हैं। और 5 तारीख को उनका बर्थडे है, लेकिन ये वीडियो आपको बाद में आएगा क्योंकि मुझे एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मम्मी का बर्थडे आता है 5 सितंबर जो टीचर्स डे होता है, और ये बात सही है कि वो एक
टीचर है और एक मोटिवेटर है। आई मीन वो हम सभी को बहुत कुछ सिखाती रहती हैं और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इवन मेरी कुकिंग से लेकर हर चीज़ उन्होंने सिखाई है। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें टीचर मानते हैं अपना, उसमें मेरा भाई चिंटू भी शामिल है और भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती अभी, लेकिन वो लोग भी मम्मी को एक बहुत अच्छा टीचर समझते हैं और एक बहुत अच्छा मोटिवेटर भी मानते हैं। गिफ्ट में मिला है उनका फेवरेट फ़ोन सैमसंग S20 और उन्हें ये फ़ोन काफ़ी समय से लेना था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी जिस वजह से वो नहीं ले पा रहे थे, लेकिन पापा ने प्लान किया कि वो उन्हें गिफ्ट करेंगे इसलिए उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट किया और सेम फ़ोन उन्होंने खुद के लिए भी लिया है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करने वाली हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे और मस्ती करेंगे और मेरे घर में सभी लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं कैमरे को लेकर। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।